आदेश माँ भगवती को लख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को लख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। जब ब्रह्मा जी ने अहंकार दिखाया, या दूसरे कल्प की कहानी को माने तो जब ब्रह्मा जी ने मिथ्या वाचन किया तो महादेव को रोष आया और उनके रोष से एक बालक प्रकट हुआ और उस बालक का नाम बटुक भैरव था। महादेव ने जब उनको देखा और जब उन्होंने ब्रह्मा जी का वध कर दिया तो महादेव ने बताया कि क्योंकि तुमने काल को सही किया और दंड दिया जिसने मिथ्या बोला या अहंकार बोला, तो आज से तुम्हारा नाम कालराज होगा। तो भैरव जी का प्रथम नाम है कालराज। जो दूसरा नाम भैरव जी का रखा गया वो भैरव था, क्योंकि ये किसी भी काल में लोगों का भरण पोषण करेंगे और सक्षम है किसी का भी भरण पोषण करने के लिए। तो जो बाल भैरव हुए, जो काल भैरव बाल स्वरूप में थे, उनको बोलचाल की भाषा में बटुक भैरव कहा जाता है। बटुक भैरव शिव पुराण के हिसाब से कोई नाम नहीं है। शिव को पुराण में दो ही नाम है, एक कालराज और दूसरा काल भैरव। बटुक भैरव जी का एक मंत्र बहुत आम तौर पे हम लोग सुनते हैं, ओम ह्रीम बटुकाय, और उसका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो भी रक्षक होता है उसको भैरव माना जाता है। जैसे जो भगवती के भैरव हैं, जो भगवती काली के पद के नीचे हैं, उनको आनंद भैरव बोलते हैं। उसी प्रकार से अष्ट मातृका के अष्ट भैरव होते हैं, ठीक है, जो जो जितनी भी शक्ति पीठ है सबके अलग अलग भैरव होते हैं, लेकिन भैरव एक ही है जिनका नाम कालराज या काल भैरव है। फिर आपाद राक्षस को मारने के लिए जिनका प्राकट्य हो उनको बोला गया आपाद उद्धारणाय भैरव, तो उसका मंत्र आप लोग सब हमेशा पढ़ते हैं। कालांतर में साबर मंत्र कलयुग में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला मंत्र और जल्दी सिद्ध होने वाला मंत्र और एकमात्र मंत्र जो फलदायक होगा। तो इस साबर मंत्र में एक लंबा सा मंत्र है जिसको अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो काल भैरव बटुक वेश में आपके सामने आते हैं और आप जो भी मांगते हैं उनसे एक वचन आपकी पूर्ति करते हैं, ठीक है। हालांकि ये मेरे तरफ से एक सुझाव है कि जब बटुक भैरव या भैरव जी के दर्शन हो तो कभी कुछ मांगना मत। क्यों नहीं मांगना? इसलिए नहीं मांगना कि तुम अपनी बुद्धि से जितना मांगोगे उससे कहीं ज़्यादा वो देंगे और उनकी समझ में आपको मिलना चाहिए। तो जब भी दर्शन हो भैरव जी के तो बोलिए कि आपको जो इच्छा वही दे दीजिए। साधना में क्या क्या प्रयोग होगा ये समझिए, ठीक है। बटुक भैरव है तो मदिरा का प्रयोग नहीं होगा, मदिरा के जगह पर मधु का प्रयोग होगा। और उसके बाद जो है पंच रोट की, जो पंच आटा होता है उसकी रोटी गुड़ मिला करके ये भोग में चढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो मिठाई, किस प्रकार की मिठाई, जलेबियां, वो भी किसकी, तो काले उरद की, ठीक है। ये सामग्री जो है ये भोग का हो गया। लाल गुलाब का पुष्प जो है उनको अति प्रिय है तो वो आप चढ़ा सकते हैं। चमेली का तेल उस लाल गुलाब पे चढ़ाएंगे तो वो भैरव महाराज को चढ़ाने के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद सरसों का तेल, अगर घर से बाहर साधना कर रहे हैं और घर में अगर साधना कर रहे हैं तो फिर घी का प्रयोग करेंगे। गूगल का धूप देंगे आप, है ना, और हवन जब करेंगे तो उड़द दाल का जो पकौड़ा बनता है उससे हम लोग हवन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। जब ये साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी तो शत्रु दोष, तंत्र दोष, ग्रह पीड़ा, हर चीज़ का अंत स्वतः हो जाएगा, अगर आपको दर्शन नहीं भी हुआ तो भी। मंत्र थोड़ा लंबा है तो कॉपी कलम लेकर के इसको आप लिखेंगे। क्या है मंत्र? ह्रिंग, रिम नहीं है, ह्रिंग बटुक भैरव
बालक केश, भगवान वेश, सब आपद को काल भक्त, जन हठ को पाल, कर धरे सिर कपाल, दूजे करवाल, त्रिशक्ति देवी को बाल, भक्त जन मानस को भाल, 33 कोटि मंत्र को जाल, प्रत्यक्ष बटुक भैरव जानिए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो कैसे करेंगे इस साबर मंत्र को? सबसे पहले जो दीपक है उसको जलाएंगे, किस मंत्र से? रिंग बोल करके, रिंग, ठीक है? जो बीज अक्षर इस मंत्र का है, रिंग बोल करके आप दीपक को जलाएंगे और ऐसा कामना करेंगे कि मैं जब तक इस साधना को कर रहा हूँ, बटुक भैरव यहाँ पर प्रकट हों और मेरे इस मंत्र उच्चारण को, मेरे इस साधना को सुने। इसमें दो चीज़ है, अगर आप इसको किसी विशेष दिन में करते हैं, ग्रहण काल में करते हैं, विजयदशमी में करते हैं, होली में करते हैं जो अभी आने वाली है, शिवरात्रि तो बीच बीत गया है, दीपावली में करते हैं, तो रात भर जाप करने से, और रात भर में कितना, 1,000 जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको 45 दिनों तक हर रात्रि में आपको 1,000 जाप करना होगा, तो भैरव महाराज का आपको आभास मिलता है। ठीक है, तो आपने दीपक जला लिया, दूसरे बार आप क्या करेंगे, उस पुष्प को, जो गुलाब का पुष्प आपने रखा है, उसको दीपक के सामने किसी प्लेट पे या लाल कपड़े पर रखेंगे। ये पुष्प आप रोज बदलेंगे, ठीक है ना, और रख करके मानेंगे कि यही आपके बटुक भैरव है। ठीक है, फिर बटुक भैरव का आप स्नान कराएंगे मधु से, ठीक, और धूप देंगे, हाँ, और जो नवेद है, जो नवेद हमने बताया है, वो नवेद आप उनको अर्पित कर देंगे। सब चीज़ का मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, और जिनको बहुत मंत्र पढ़ने की इच्छा है तो ओम ह्रिंग, या ओम को छोड़ देंगे अगर ओम के लिए अधिकृत नहीं है, ह्रिंग बटुक भैरवाय नमः निवेद्यम निवेद्यामि, दीपम दृश्यामि, है ना, धूपम गृह्यामि, तो ये बोल करके आप नवेद दे देंगे। उसके रुद्राक्ष की माला में 1,000 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र के जाप के बाद नीम के लकड़ी का समीधा त्रिकोण बना करके, ठीक है, और उसके बाद उसमें ये जो उड़द के बड़े हैं, इसके लिए आप एक तैयार करेंगे 3 तेलों का एक मिश्रण। कौन कौन सा? सरसों, तिल का और चमेली का, सबसे ज़्यादा सरसों, उसके आधा मात्रा में तिल का तेल और उसके आधे मात्रा में चमेली का तेल, और इस उड़द को उसमें डुबा डुबा करके आप जो है हवन करेंगे। मंत्र एक बार और बोलूँगा मैं, ह्रिंग बटुक भैरव बाल केश, भगवान वेश, सब आपद को काल भक्त, जनहत को पाल, कर धरे सिर कपाल, दूजे करवाल, त्रिशक्ति देवी को बाल, भक्त जन मानस को भाल, 33 कोटि मंत्र को जाल, प्रत्यक्ष बटुक भैरव जानिए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। ठीक है, जब ये 45 दिन आप साधना कर लेंगे और साधना करने के बाद हवन को पूर्ण कर लेंगे, तो आपको स्वप्न के माध्यम से, अगर आप नए साधक हैं, स्वप्न के माध्यम से या आसपास स्वान दिखें इस माध्यम से, या फिर प्रत्यक्ष आभास भैरव महाराज का होगा। जिस समय ये होगा उसी समय मनवांछित फल, या महाराज मैंने आपके दर्शन के लिए साधना की थी, आपके दर्शन हो गए, आपका आभास हो गया, मेरा ये यही मेरी मनोकामना थी जिसकी पूर्ति हो गई है, ऐसा बोल करके आप रुक जाएंगे। उसके बाद रोज 7 बार इस मंत्र का जाप करेंगे, भैरव जी आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र यंत्र है ना, किसी भी तरीके का अविचारिक ग्रह, जो निज ग्रह का उपद्रव है, वो सब आपके जीवन में हमेशा शांत रहेगा। इसके बाद आपको किसी और साधना को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। भगवान काल भैरव आप सभी को अनंत कृपा का पात्र बनाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।
वराज सेव्यमान पावनाग्रि पंगजम् व्यालये न्यसूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम्।